हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे लिए चलते हैं आपको, दिव्या दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं मुंबई से। दिव्या अपने घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। दिव्या, मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर वन शो में आपका बहुत स्वागत। और शुरुआत में आपकी मुस्कान मिल गई तो और क्या चाहिए हमें। जो वायरल है कविता, गुड मॉर्निंग, कुछ गुनगुना दीजिए जी। जी, आपकी कविता जो वायरल है दिव्या, मैं चाहती हूँ दर्शकों को पहले हम वो सुनाएं, फिर आपके पास आएंगे। जी जरूर, मैं सुनाती हूँ। ये लॉकडाउन के दौरान कुछ एहसास हुए थे जो मुझे लगा कि ये जब खत्म होगा तो ये कुछ चीजें हमें अपने जहन में बांध लेनी चाहिए और ये करते रहना चाहिए। तो इस पर एक कविता लिखी थी जिसे बहुत सारा प्यार मिला, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे, वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक धमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर डी बर्मन सुनते हुए एक साथ सफाइयां करना, वो मस्ती वो पिलो फाइट्स वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सब सफाई उस पर नहीं छोड़ेंगे, एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भरते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया हैं उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं को पानी देना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत दिव्या, मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दिव्या आपकी कविता में जो छुपा हुआ है। हमने वो सारी चीजें जो भागदौड़ में मिस कर दी थी वो लॉकडाउन में हमें वापस भी मिल गई हैं, लेकिन वी ऑलवेज लुक ऑन द नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड पर हम लोग हमेशा देखते हैं। दिव्या, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बतौर सेलिब्रिटी आप लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, इस टाइम पर आपकी जिंदगी एक मैसेज बन रही है उन तमाम लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि वो घर में बंद हो गए हैं। आप लोग किस तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं और लॉकडाउन खुलने पर पहली चीज जो आप करना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है हम भी नॉर्मल लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम एक्सट्रोवर्ट्स हैं, हमारे भी अच्छे और बुरे दिन होते हैं। कभी मन करता है कि बाहर जाएं नॉर्मल जिंदगी लें, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो करनी है। और उसमें यही कर सकते हैं कि जो आप खुशी से घर पे टाइम बिताएंगे वो बेस्ट बीतेगा, तो वो चीज़ें करें जो शायद आपको लॉकडाउन के बाद करने को मौका नहीं मिलेगा। सो ये फैमिली टाइम हो, अगर आप अकेले हैं तो खुद की कंपनी एंजॉय करें, वो शौक पूरे करें जो शायद आपको इतनी भागदौड़ में शायद मिलेगा ही नहीं वक्त करने का। तो अभी आप देखेंगे ये जो चीजें हम बाहर अगर देखें, इतनी चिड़ियां, इतने स्पैरोज, इतने पैरट्स मैंने आज तक नहीं देखे जितने अब देख लिए हैं। तो इनको हम अगर रख सकें इसी तरह से, को एग्जिस्ट कर सकें इनके साथ, मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरत बात होगी। लॉकडाउन के बाद मेरा सबसे पहले ये जो मेरी पेट है सखी, छोटा सा मेरा डॉगी है, इसके साथ मैं बाहर, हमारे घर के बाहर बीच है, वहां पर एक राउंड लेना चाहूंगी। ये सोचती है क्या हो गया, हम लोग बीच क्यों नहीं जाते। तो कुछ नॉर्मल जिंदगियों की इंतजार, इसको भी बताना कि जिंदगी दोबारा नॉर्मल जरूर होने वाली है, और अपने मित्रों से मिलना कुछ। जी जी दिव्या, ऐसी क्या बात हुई जो आपने इतनी सुंदर कविता लिख डाली? कोई कहानी होगी जरूर इसके पीछे, वो कहानी हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं अपनी अगली किताब लिख रही हूँ, और कई बार जहन में ऐसा होता है कि आप पेन पकड़ते हैं या अपना लैपटॉप बैठ जाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है क्योंकि कई बार फ्रेम ऑफ माइंड इतना आसान नहीं होता। तो एक दिन मैं इसी तरह से सखी को घुमा रही थी नीचे,
और मुझे ख्याल आया कि यार ये जो हम इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, ज्यादा हमारी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, या ये जो चीजें हैं ये हम बाद में करेंगे क्या? और तो फिर सडनली जहन में ये पहली लाइन आई कि जब सब ठीक होगा तो ये तो करते रहेंगे. ये खुद से प्रॉमिस है और एक यूनिवर्स से प्रॉमिस है, एनवायरमेंट से प्रॉमिस है. तो वो कहीं ना कहीं मुझे ख्याल आया कि कौन कौन सी चीजें जो मैं तो जरूर करती रहूंगी, तो फिर मैंने उन्हें जॉट डाउन कर दिया और वो एकदम निकल गया. तो जो एकदम जहन में बैठा होता है वो फट से निकल जाता है. थैंकफुली उसके बाद मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी. दिव्या, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती. मुझे वक्त एक ब्रेक का है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि वो एक सीख लॉकडाउन की जो हमेशा आपके साथ रहेगी, वक्त कम है मेरे पास, अगर जल्दी से बता पाए तो, कोई एक सीख जो लॉकडाउन के बाद हमेशा आपकी आदत बन चुकी है. अपने आप पर निर्भर रहने की आदत बन चुकी है और उसे बरकरार रखना चाहूंगी. किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करूंगी. अपने आप खुद काम कर सकते हैं हम लोग. ये बहुत प्यारी सीख है, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज में. तो वो मैंने इस लॉकडाउन से सीखा है. बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आपने जो बातें कही, जो कविता सुनाई, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में पॉजिटिविटी का संचार होगा. इसके बाद बहुत अच्छी बात कही. हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंट नहीं रह गए, बिल्कुल सारे काम खुद करने लगे. और यही बात दिव्या भी बता रही थी, यही सोचते सोचते उन्होंने कविता लिख दी. देखिये, जो अदाकारा होता है, अदाकार होता है, परिपक्व जब होता है तो उसकी आंखें, उसकी जुबां बिल्कुल एक भाषा बोलती. दिव्या की चेहरे पर वो सच्चाई दिख रही थी, गहराई दिख रही थी.